हेलो डियर स्टूडेंट्स यू आर मोस्ट वेलकम टू टुडेज केमिस्ट्री क्लास इन दिस एडुसेट एजुकेशनल चैनल टुडे विल बी कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री टुडे जी थर्ड क्लास क्लास नंबर थ्री मजा आ रहा है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन वन मोर क्लास आई विल कंप्लीट दिस टॉपिक है But today's discussion, today's discussion is very, very important, very, very important. So before going to discuss today's subject matter, let us have a look into the previous class, what we have discussed. In the last class, we had discussed about coordination number. You know, coordination number means number of coordinate bonds formed between metals and ligands in a complex okay. then its oxidation number net electrical charge carried by the central metal in the complex coordination entity it is the sphere square brackets within which it is non-arrangeable entity within which metals and ligands are coordinated to each other they are present together and a

हाइड्रोन्लियर कॉम्प्लेक्सेस पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस होमो न्यूक्लियर मीन सी द कॉम्प्लेक्सेस मेड अप ओनली वन सेंट्रल मेटल पॉली न्यूक्लियर मीन सी द कॉम्प्लेक्सेस मेड ऑफ टू सेंट्रल मेटल्स दे मे बी सेम आर डिफरेंट देन वी डिस्कस्ड एट द लास्ट नोमचर मीन सी नेमिंग अफ अडिनेशन कंपाउंड अंडर अ सिस्टम याद है ना मैंने क्या कहा था कॉम्प्लेक्स कैन बी आयनिक और नॉन आइनिक्लेक्स काटाइन अंदर में घुस जाओ पहले लिगेंड का नाम लिखो अल्फाबेटिकल अर्डर से उसके बाद मेटल का नाम मेटल का नाम की बगल में इन्हें पैरिस इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो न्यूमरल्स देन आनायन का नाम डाल दो सेकेंड डिस्कशन किए थे अगर कॉम्प्लेक्स तुम्हारा आनान हो तो कटन का नेम देस नेम नेम ऑफ मेटालिनी नेम ऑफ मेटाल इसके नाम से एटी जोड़ना देन और फॉलोड बाई ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन मेटल का लैटिन नेम लिखना ठीक है लैटिन नेम के साथ एटी जोड़ना इफ कॉम्प्लेक्स काटान और कॉम्प्लेक्स आनइन सिमिलर इन दिमुलर नेमिंग वॉज टन फॉर नॉन एनी कॉम्प्लेक्स नेम ओनली नो काट नो हम डिस्कशन कर चुके आज का शाम के नाम फादर ऑफ अडिनेशन केमिस्ट्री बाप के नाम से आज का शाम टूडेसिंग द थ्री इंपोर्टेंट थिंग्स पहले तो नेमिंग सीखा स्ट्रक्चर दिया नेमिंग सीखा आज उल्टा होगा नाम दे दिया, आई पी एस नेम दे दिया गया तुमको और पूछा जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंपोजिशन फार्मूला लिखो आज वो सीखेंगे उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स का सारे के सारे जो खेल हो रहा सेंट्रल मेटल कितने लिगान के साथ सांट गांठ करेगा कॉम्प्लेक्स बनाएगा क्या नंबर है क्या फन बना क्या फंडा है उसको भी सीखेंगे उसको कहते हैं फिफ्थ आठवें नंबर रूल और एट लास्ट ओनर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशंस चलिए डिस्कशन करते हैं रूल्स फॉर राइटिंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फ्रॉम आई यू बहुत आसान है बहुत आसान है उससे तो कई गुना आसान है बहुत बेटी वेरी वेरी सिंपल थिंग देखो मैं बता रहा हूं आपको नाम दे दिया गया नाम दे दिया गया क्या पूछा गया कि स्ट्रक्चर लिखो पहले कुछ रूल्स ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना पहले सेंट्रल आटम का नाम ढूंढो राइट द नेम ऑफ सेंट्रल आटम पहले सेंट्रल आटम क्या है कॉपर है आयरन है गोल्ड है सिल्वर जो भी उसका नाम लिख दो तो। ब्रैकेट दे दो स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू करो ठीक है पहले उसका सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखो फर्स्ट सिंबल ऑफ सेंट्रल मेटल याद रहा ओके नेक्स्ट लिगेंड्स। लिगेंड्स का फॉर्मूला लिखते जाओ लिखते जाओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नाम दिया गया होगा बस उसका फॉर्मूला लिखते जाना आफ्टर द नेम ऑफ आफ्टर द सिंबल ऑफ अ आफ्टर राइटिंग द सिंबल ऑफ अंट्रलि सेंट्रल अटम देन राइट डाउन द सिंबल ऑफ अ द लिगंट्स वन बाई वन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इफ दे आर अम्पाउंड लिगंट्स इफ दे आर कंपाउंड लिगंट्स पुट द सिम्बल इन ए पैरेंथेसिस पुट द सिंबल इन ए पैरथेसिस पहले तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रख दिए और इफ दे आर ए डाई ट्राई उनका नंबर जो भी है उसमें सब्सक्रिप्ट के हिसाब से लिख देना ठीक है अगर कोई काउंटर आयन नहीं है ना काटायन है ना आनायन है अगर नहीं है तो सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर में प्लस हो या माइनस लिखना सबसे इंपोर्टेंट सबसे इंपोर्टेंट कितने प्लस होगा या हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ अ नेगेटिव चार्ज मस्ट बी रिट इन देर या अगर काउंटर आयन है तो काउंटर का नंबर क्या होगा फॉर्मूला लास्ट में व्हाट टू लिव द नंबर ऑफ काउंटर इट इज बेस्ट ऑन ए सिंपल फॉर्मूला दैट टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ये बात ध्यान में रखना टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ अर पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल मैग्निट्यूड ऑफर नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल इसी से ही हम निकालेंगे जो काउंटर आयन का नंबर क्या है और कॉम्प्लेक्स आयन का नंबर क्या है आइए सीखते हैं सीखते हैं कैसे हम करेंगे तुम्हारा ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे आइए सीखते हैं ठीक है देखो एक दिया गया हेक्सा अमीन हेक्सा अमीन क्लोराइड। क्लोराइड देखो यहाँ पे है। कैसे लिखेंगे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लिखो पहले स्क्वायर ब्रैकेट। उसके अंदर में ढूंढो कौन है तुम्हारा सेंट्रल मेटल ढूंढो ढूंढो। कौन है सेंट्रल मेटल कोबाल्ट। बस लिख दिया उसका सिंबल उसके ऊपर में ऑक्सीडेशन नंबर लिखो बस रोमन न्यूमरल थोड़ा सा इंडिकेशन दे दो हेक्सा अमीन अमीन रहा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स ये लिगान रहा लिगान तो ये रहा तुम्हारा कंपाउंड लिगान इसीलिए मैंने दे दिया हेक्सा सिक्स सिक्स नंबर दे दिया उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं बाहर में रहा क्लोराइड काउंटर रहा क्लोराइड अब लिखना है कि क्लोराइड का नंबर क्या होगा क्लोराइड का नंबर क्या होगा देखो मान लो क्लोराइड का नंबर x है सपोज क्लोराइड का नंबर x है हमको मालूम नहीं वन हो सकता है टू हो सकता है थ्री हो सकता है यही तो इंपॉर्टेंट चीज है मान लो x है अब हिसाब करो इसका नंबर इसका ऑक्सीडेशन नंबर दे दिया थ्री सो so थ्री प्लस अमोनिया जी न्यूट्रल सो so इट्स ऑक्सीडेशन नंबर जीरो क्लोराइड एक ही क्लोराइड का माइनस वन है तो माइनस वन प्लस ये रहा माइनस वन इंटू एक्स नंबर इंटू एक्स सो टोटल इट इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स टोटल चार्ज मस्ट एक्स इक्वल टू जीरो सो सो मींस यहां पे मैं लिखूंगा थ्री आई बात समझ में बहुत ही सिंपल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर टू नंबर टू देखो टेट्रा एक्वा टेट्रा एक्वा डाई डाइक्लोरिडो, क्रोमियम, क्रोमेट क्रोमियम थ्री नाइट्रेट क्रोमियम थ्री नाइट्रेट लिखो 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 टेट्रा एक्वा डाई पहले क्रोमियम ढूंढो क्रोमियम डाइक्लोरिडो टेट्रा एक्वा ये रहा एक्वा क्लोरिडो, एक्वा मीनस वाटर, कंपाउंड लिगान कीप इट इन पीटेसिस नंबर चार डाल दो ठीक है ये तो है ही नहीं उसको खोला छोड़ दो और उसके बाद देखो रहा तुम्हारा नाइट्रेट ए थ्री नाइट्रेट ठीक है कितना नाइट्रेट यहां पे लिखेंगे सपोज एक्स यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो थ्री ठीक है अब एक्स का वैल्यू निकालना है अब इस एक्स का वैल्यू क्या होगा देखो देखो ये रहा तीन वाटर का तो जीरो दो क्लोराइड का माइनस टू और नाइट्रेट का माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन एक्स। तो कुल मिला के कितना हुआ ये रहा वन माइनस एक्स इक्वल टू जीरो थ्री माइनस टू वन माइनस एक्स इक्वल टू जीरो

सो so, दो से मल्टीप्लाई कर दो ये आ जाएगा टू ये हो जाएगा थ्री बस ऐसे ही तुम्हारा नोमेन होता है ठीक है सोडियम ट्राई ऑफ फेरेट थ्री टेट्रामिन कपर टू सल्फेट पोटासियम हेक्सासियानिडो फेरेट टू टेट्रामिन प्लैटिनम टू टेट्राक्लोरिडो प्लाटिनेट टू एक ही सवाल पूछा गया था पोटासियम आमीन पेंटाक्लोरिडो पोटासियम आमीन पोटासियम पोटासियम आमिन पेंटा क्लोरिडो पेंटा क्लोरिडो प्लाटिनेट आई भी टू थाउजेंड वन सी एच ई सी एग्जामिनेशन में पूछा गया था देखो क्या होगा पहले देखो प्लाटिनम प्लाटिनम यह रहा प्लाटिनम पेंटा क्लोरिडो आमिन आमिन मीनसी इट इज एन एच थ्री एन एच थ्री पेंटा क्लोरिडो मीनसी सी एल फाइव और बाहर में रहा तुम्हारा ये रहा पोटैशियम पोटैशियम पहले पोटैशियम था कटान अब देखो कितना पोटैशियम होगा प्लैटिनम के ऊपर चार है तो पोटैशियम मान लो एक्स है सो एक ही पोटैशियम का ऑक्सीडेशन नंबर वन सो एक्स प्लस फोर प्लस जीरो एक ही क्लोराइड का माइनस वन फाइव क्लोराइड का होगा माइनस फाइव इक्वल टू जीरो सो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो मतलब x वन सो इट इज वन इन दिस वे यू कैन डू द यू कैन राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फ्रॉम आई पी एस एम बहुत इंपोर्टेंट है देन इफेक्टिव आटमिक नंबर और रूल ये जो इफेक्टिव एक ही देखो कॉम्प्लेक्स में सारे की सारी खेल है सेंट्रल मेटल का कई कई कॉम्प्लेक्स में चार लिगान के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है कई कई कॉम्प्लेक्स में सिक्स शी लिगान्स लेता है कहाँ पे दो लेता है क्या वजह है क्या चक्कर है कहीं पे सिक्स शी लिगान कहीं पे फोर लिगान कहीं पे टू लिगंड कैसे हमको मालूम पड़ेगा कि ये जो कहानी है ये जो खेल है सेंट्रल मेटल का कब कितने लिगान के साथ वो संबंध बनाएगा इसको जानकारी के इसको जानने के लिए आइए पढ़ते हैं इफेक्टिव एटमिक नंबर रोल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए ही पैदा हुए हैं ठीक है एंड दे मेक्स कॉर्डिनेट बॉन्ड हुई थी सेंट्रल मेटल आइटम देन द सेंट्रल आइटम कंटिन्यूज टेकिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगान लिगान्स इलेक्ट्रॉन ले रहा है काहे को ले रहा है अनटिल इट बिकम्स और इट्स टोटल इलेक्ट्रॉन बिकम्स इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ नियरेस्ट इन गैस ओके इफेक्टिव एटम नंबर कैसे निकालोगे हाउ यू डिटर्म द इफेक्टिव एटम नंबर वेरी वेरी इंपोर्टेंट दैट इज द रीजन व्हाई सेंट्रल मेटल कंबाइंस द नंबर ऑफ लिगंट कभी फोर कभी सिक्स कभी टू राज राज. राज जानने के लिए इफेक्ट नंबर क्या है ना लिगांड का काम इलेक्ट्रॉन डोनेट करना सो लिगंट विल कंटिन्यू डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स और सेंट्रल मेटल विल कंटिन्यू एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट्स टोटल इलेक्ट्रॉन बिकम्स द टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑर नियरस्ट इन गैस कॉम्प्लेक्स बनाने से कितने इलेक्ट्रॉन वो खोता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इसके पास कितने सो टोटल कुल मिला के इन नियरेस्ट इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन उसके पास हो ये इसी चक्कर में इसी चक्कर में कभी दो कभी चार कभी लिगान के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है देखिए देखिए इफेक्टिव एटोमिक नंबर मीनस टोटल एटमिक नंबर मीनस टोटल इलेक्ट्रॉन के पास कितने माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितने इलेक्ट्रॉन वो खो रहा है और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाई मीनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इ गेंस फ्रॉम द इट इ टेक्स फ्रॉम द लिग ठीक है देखो ए फी सी एन होल फोर फोर माइनस सी एन होल सिक्स फोर माइनस देख देख इट्स अक्सीडेशन नंबर अक्सीडेशन नंबर प्लस टू यू नो हाउ टू कैलकुलेट अक्सीडेशन नंबर सो इफेक्टिव आटमी नंबर इजी इट्स इफेक्टिव आटमिक नंबर इजी देखो आटमिक नंबर फाइव ट्वेंटी सिक्स जेड इज ट्वेंटी सिक्स माइनस अक्सीडेशन नंबर इज टू इट अलरेडी लस्ट टू इलेक्ट्रोन माइनस टू प्लस कितने से लिगान लिगानिग डोनेट टू इलेक्ट्रोन टू इंटु सिक्स

सो कपर आटोमिक नंबर इफेक्टिव आटोमी नंबर कपर इफेक्टिव आटमिक नंबर ऑफ अ कपर इजी देखो 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 कपर ट्वेंटी नाइन माइनस टू प्लस फोर इंटू टू टू इंटू फोर इक्वल टूर ट्वेंटी सेवेन प्लस एट मीन सी थर्टी फाइव इसका थोड़ा कम हो गया थोड़ा कम हो गया नहीं तो यहाँ पर अगर फोर माइनस करेंगे 4 minus, है फोर minus, टू minus, ना ओके okay. 35. ऐसा नहीं कि हर टाइम पे इन ई गैस मेटलेशन आसपास भी होता है आसपास भी आ जाता है देखो एनआईसी यहां पे 35 फाइव ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू 36 सिक्स निकेल देखो

थर्टी थर्टी सिक्स क्रिप्टॉन सो दिस इज दी फॉर्मूला दैट हाउ मेनी लिगेंट नॉर्मली सेंट्रल मेटल टेक्स टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं है ऐसा नहीं की टाइम द टोटल इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन ऑफर नियर ऐसा नहीं हमेशा देखो अभी मैंने बताया

थर्टी फोर टू शॉर्ट ऑफ अट गैस कन्फ्य टू शॉर्ट ऑफ अन आई सी एन और फोर टू माइनस अभी मैंने बताया था एन आई सी एन होल फोर टू माइनस सीडी ऑक्सीडेशन स्ट्रेटी प्लस टू सो हॉटलीफेक्टिव नंबर ट्वेंटी एट माइनस टू प्लस टू इंटू फोर इट इजी सिक्स प्लस देखो सो देर आर ऑल्सो सम स्टेबल कॉम्प्लेक्स एक्सेप्शनल्स दे डोंट फॉलो इफेक्टिव एटम नंबर रूल बट इफेक्टिट नूल से पता लग जाता है कि लगभग लगभग हाउ मेनी लिगान आर एसोसिएटेड हुई थी ए सेंट्रल मेटल एटम इन ए कंप्लेक्स

ये पहला बात है दूसरी इंपोर्टेंट एप्लीकेशन वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन करने के लिए इफेक्टिव एटम नंबर रूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखो इफेक्टिव एटम नंबर में जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस माइनस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखो 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 एंड यू नो म्यू एस इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एन इनटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटन यहां देखो यहां देखो यहां ये कॉम्प्लेक्स नजर करो ये कॉम्प्लेक्स नजर करो हियर योर एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज 35 मेंसि कपर इट्स एटॉमिक नंबर इज 29 सो 29 मेंसी और उसके पास 29 है 29 इलेक्ट्रॉन्स उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि मुझे किसी भी तरह 36 मिल जाए वो क्रिप्टन होना होने के लिए वो तरसेगा तो इसलिए नेक्स्ट आटम नंबर क्या होगा इसका इसका देखो इसका देखो तो आटम नंबर नेक्स्ट इनर्ट गैस 36 माइनस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या रहा 35 सो n इक्वल टू 1

हाँ वही कपर का देखो ये भी यह एक ही बात है और दूसरा करते हैं क्रोमियम का क्रोमियम का क्रोमियम ns3 ns3 थ्री एन एस थ्री होल सिक्स होल सिक्स तुम्हारा टू प्लस देखो 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 क्रोमियम का वही थर्टी सिक्स माइनस इफेक्टिव अटोनर क्या हो रहा है इफ, अभी अभी देखो यहाँ देखो थर्टी फोर माइनस थर्टी फोर मीन्स ही एन इक्वल टू टू इट हज नंबर ऑफ टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इट टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देखो ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है तो थर्टी सिक्स उसका एम था अभी मिला उसको थर्टी फोर रह गया पीछे दो जितने पीछे रह गया इतना ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स सो म्यू एस विल बी रूट ओवर ऑफ टू इंटू टू प्लस टू मीनसी रूट एटी टू पॉइंट एटी सेवन बी एम

द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एंड कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सो मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस यूज दिसमुलास आल्सो यू कैन कैलकुलेट हाउ मेनी कार्बोनिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द कंप्लेक्स देन ओर कोशन थ्योरी ओर्नर्स कोशन थ्योरी द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कोर्डिनेशन केमिस्ट्री का बाप है वो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे यू नो दिस थोरी वॉज गिवेन बाईन द पॉर्प इज टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस ये कॉम्प्लेक्सेस में कैसा बॉन्डिंग है एक ही मेटल इतने सारे लिगानस के साथ बॉन्ड कर रहा है कैसा बॉन्ड ही ये व्हाट इज द पर्पस अगर इतने नंबर सारे बॉन्ड्स हो रहे हैं बन रहे हैं तो क्या होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा उसका ज्योमेट्री हाउ डिज ग्रुप लिंक सेंट्रल मेटल बाई डूइंग सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स उसी जमाने में तो इतना तो टेक्नोलॉजी एडवांस था ही नहीं फिर भी ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट लाइक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेंशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर ये सारी एक्सपेरिमेंट

क्स इज देंटल उनका कहना है देखो देखो ध्यान से सुनो वेरी इंपॉर्टेंट सो मेनी टाइम्स इट इज आस्ट इन द एग्जामिनेशन एंड लाइक टू बी आस्ट इन दमिंग एग्जामिनेशन ऑल्सो देखो 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 क्या कह रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू ऑर्नर एवरी मेटल एवरी मेटल पॉजेसेस टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज एवरी मेटल पॉजेसेस टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज नंबर वन उसके पास प्राइमरी वैलेंसी है प्राइमरी वैलेंसी एंड ए सेकेंडरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी ईच मेटल हाज ईच मेटल हाज टू टाइप्स ऑफ भैलेंसीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो द दैलेंसी उनके पास है वॉट आर प्राइमरी प्राइमरीज प्राइमरी भैलेन्ज दिज भैलेंसीज आर यूज ओनली टू मेक ओनली टू मेक सिंपल सॉल्स, दिज भैलेंसीज आर यूज टू मेक सिंपल सॉल्स सिंपुल साल और डबल सॉल्ट और डबल सॉल्स यूजिंग दिस वैलेंसी इट कैन ओनली मेक सिंपल सॉल्ट और डबल फॉर एग्जाम्पल आयरन फेरासल्फेट फेरिक सल्फेट लाइक दिस एंड दिस इज इयोनाइजेबल दिस इज इयोनाइजेबल मीनस यू सी इट कैन बी आयोनाइज टू बस इसी वैलेंसी में इसी वैलेंसी में जो जो अनायस हो या जो जो वो आयन होके जाने वाले दे आर आयोल अनदर जी दिस बाई दिस इस वैलेंसी इज सैटिस्फाइड बाई अनायस ओनली अनायंस ओनली दिसंस इज साफड यूजिंग दिसंस मेटल ओनली मेक्स आय दिसलेन्सीफर्सिशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंट्रल मेटल आटम एंड इट इज इेरिएट इज इेरिएट इज इ चेंजेबल हि यू सी द प्राइमरी ऑफ अ आयरन इज इ

He prepared a number of a complexes of a cobalt, chlorine, and ammonia. He prepared a number of a complexes and a conducted a number of experiments on those complexes and assigned final structure to those complexes and in the the primary valencies, according to owners are represented by dotted lines, right? Next secondary valency, secondary valency, when the same metal,

नॉन एक ही बार वो जुड़ गया तो छोड़ के नहीं जाएगा सो इट इज रिप्रेजेंट इट इज नॉन एंड इट इज सैटिस्फाइड लिग दीज आर सैटिस्फाइड ओनली लिगंट्स एंड दीज रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन नंबर हियर दे रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशन नंबर दे रिप्रेजेंट कोडिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल ऑटम कोऑर्डिनेशन नंबर दे रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन नंबर सो दीज आर वेरिएबल बट दिस इज़ फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अंट्रल मेटल इज ऑलवेज फिक्स्ड बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन इफेक्टिव आटमिक नंबर और रूल ठीक है एंड इट इज इ डिरेक्शनल इट इज डिरेक्शन इट इज डिरेक्शन इट इज डिरेक्शनल

इस कोनेशन नंबर जो 4 में जो 4 लिगेंड से रिटच इट क्या निभाए इधर टेट्राहेड्रल देखो देखो इट क्या निभाए इधर टेट्राहेड्रल और इट क्या निभे स्क्वेयर प्लानर सो डेट मेंस इटीजी डायरेक्टेड टू पर्टिकुलर डायरेक्शन ठीक है और ए इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी व्हेन ही असाइड डी स्ट्रक्चर सेकेंडरी दिस इज द डिफरेंस इफ ए मेटाल ओनली एक्जीबिट प्राइमरी वैलेंसी वो नहीं चाहेगा नहीं भाई मुझे सेकेंडरी से कोई मतलब नहीं इतने सारे कॉम्प्लेक्स मुझे जरूरत नहीं है मैं एक सीधा साधा ठीक है अगर वो प्राइमरी वैलेंसी एग्जिबिट कर रहा है तो सिंपल सल्ट बना के रहेगा कटान हम दो हमारे दो छोटा सा फैमिली बना के रहेगा इफ इट एग्जिबिट से वैलेंसी देन It will make complex. बहुत ही सारे लिगान आएंगे उनके साथ कोर्डिनेट बन करेंगे आसान से कितने इजिएस्ट वे से हमको समझा दिया कि ये सारे जो मेटल का खेल है ना ये सेकेंडरी फैलेंस की वजह से ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है सो बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ अम्प्लेक्स

टिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज सारे के सारे मेटाल यही चाहते हैं कि हमारा प्राइमरी वैलेंसी भी सैटिस्फाई हो और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई लेकिन सारे मेटाल को ये नसीब नहीं होते जैसे कि सोडियम सोडियम तो बना लेता है सोडियम तो कॉम्प्लेक्स बना लेता है देखो देखो ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है लेकिन दैट कॉम्प्लेक्स इज हाई अनस्टेबल हाई अनस्टेबल ठीक है तो दिस इज द फंडा दिस इज द प्रिंसिपल व्हाई द मेटल्स मेक कॉम्प्लेक्सेस अंडर व्हाट कंडीशंस ओके एंड द यू सी जस्ट हैव अगेन क्विक लुक द प्राइमरी वैलेंसीज आर सैटिस्फाइड बाय एनायंस लाइक सल्फेट क्लोराइड जेबल वो जाने वाला नहीं है दे आर सैटिस्फाइड

कैन फाइंड आउट व्हाट आर द प्राइमरी वैलेंसी व्हाट आर द सेकेंड ये रहा, रहा कोऑर्डिनेशन नंबर याद रहे समझ में आ रहा है ना चलिए कुछ ओर ने जो जो कॉम्प्लेक्स बनाए थे द कॉम्प्लेक्स इज मेड बाई ऑन हुई ही डेढ़ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड हाउ ही असाइन दो स्ट्रक्चर है लुक He prepared the complex of a cobalt Co cl 3 6 ns 3 He crystallized this complex and on the basis of his experimental finding he assigned the structure like this CO you see so these are secondary valence means coordinate bonds coordinate bonds here are NH3 ns 3 NH3 NH3 NH3. NH3.

फाइव एन एस थ्री जस्ट रिड्यूस्ड वन देखो देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहा अमोनिया ये रहा अमोनिया ऑल पोजिशन आर इक्विवेलेंट डोंट वरी किसी भी पोजिशन से आप किसी भी लिगान को लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं कोई बात नहीं अमोनिया ये रहा फाइव अमोनिया और सिक्स्थर पोजीशन के लिए यहां पे एक क्लोराइड ठीक है एंड दिस क्लोरीन बिहेव्स डुअली देर आर टू अदर क्लोराइड्स दे आर जॉइंड बाय प्राइमरी वैलेंसी जो वन क्लोरीन सैटिस्फाईज टू वैलेंसीज मींस इट इज सैटिस्फाईज प्राइमरी वैलेंसी और आल्सो सेकेंडरी वैलेंसी सो प्राइमरी वैलेंसी देखो यहां पे हियर इट वाज थ्री Now it is reduced to two secondary valency. Is again six. And number of ions, number of ions will be, number of ions will be two, two chloride plus one complex cation means it two plus one three total charge will be equal to plus two minus two four units. Hope you must have understood all these things. डुअल वैलेंसी हि डुअल भैलेन्सी डुअल भैलेन्सी डुअल डुअलोर क्लोराइडी प्लेज डबल रोल सैटिस्फाइज बोत प्राइमरी एंड ए सेकेंडरी ओके सिमिलरली लेट लुक इन टू द अदर टू स्ट्रक्चर्स

कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स दैट विल नेवर बी चेंज्ड ऑन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस वो चेंज होने वाला नहीं है ठीक है सो यू हैव फोर अमोनिया डाल दो किसी पोजीशन पे जो मर्जी जो मर्जी वहां पे लिख दो कोई बात नहीं कोई बात नहीं कहीं पे भी लिख दो ठीक है और दो सेकंड वैलेंसी खाली यहां वो खाली नहीं रहेगा सो दीज टू वैलेंसीज आर सैटिस्फाइड बाय क्लोराइड हियर यू हैव थ्री क्लोराइड

व्हाट आर द प्राइमरी वैलेंसीज देखो देखो प्राइमरी वन हियर इट वॉज ए थ्री इट वॉज ए टू हियर इट इज इ वन सो दैट इज ए प्राइमरीबल वैकेंडरी वैलेंसी वैलेंस एन सिक्स वो हमेशा कंस्टेंट लिगान का नंबर हमेशा कॉन्स्ट लिगान बदल सकते हैं लिगान बदल सकते हैं क्लोराइड के जागह में ब्रोमाइड आ सकता है अमोन के जागह में वाटर आ सकता है लेकिन नंबर बराबर रहेगा नंबर कभी चेंज नहीं होगा व्हाट इज द डुअल वैलेंसी डुअल वैलेंसी व्हाट इज द डुअल वैलेंसी देखो वन टू टू नंबर ऑफ आयंस नंबर ऑफ आयंस दिस क्लोरीन इज लिविंग एज अ सीएल माइनस सो टोटल द रिमेनिंग मॉलिक्यूल ऑफ द रिमेनिंग सिस्टम विल हैव प्लस वन चार्ज सो प्लस वन माइनस वन मीन्स देयर आर टू चार्जेस नंबर ऑफ आयंस इज

दिस इज अनदर कंप्लेक्स दिस इज अनादर कंप्लेक्स सो दिस कंप्लेक्स लुक्स भावलेट कलर कलर से कोई मतलब नहीं है बस देखते जाओ सीओ दिस्ज अक्टाहाडल कंप्लेक्स दिज आर अल अक्टाडल कंप्लेक्स ठीक है सो एन एस थ्री हिअर यू हाव एन एस थ्री दिस इज अनादर एन एस थ्री दिस इज अनादर एन एस थ्री एंड निमेनिंग थ्री सेकेंडेरी भैलेन्सीजर लेफ्ट फ्री वो कभी खाली नहीं रहेगा सो हियर यू हैव थ्री क्लोराइड लेफ्ट सो दे आर पुट हियर सो दे ऑक्यूपाई द रिमेनिंग थ्री पोजिशन ऑफ अक्टाहाइड्रॉन एंड नॉट ओनली दैट अकॉर्डिंग टू ओर्नर दे ऑल प्ले डुअल रोल दे सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी लेकिन अगर वो सेकेंडरी वैलेंसी हो गया सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा वो कनेक्ट हो गया तो मान लो उसको हम कहेंगे लिगान इफ एनी अनायन इज ई कनेक्टेड टू सेंट्रल मेटल थ्रू सेकेंडरी वैलेंसी इट विल नेवर बी कॉल्ड एज अनायन इट विल बी गेटिंग अनदर नेम दैट इज कॉल्ड लिगान सो वन सिटी बिकम्स लिगान ये यहां से जाना मुश्किल है सो हियर देखो प्राइमरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी इक्वल टू योर

स्ट क्वेश्चन ऑन दिस इन द एग्जामिनेशन इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी हाउ यर राइटिंग ये तो पहले जमाने की बात है उसी जमाने की बात है जब टेक्नोलॉजी नहीं था कोडिनेशन केमिस्ट्री इतना एडवांस नहीं किया था जो उन्होंने जो स्ट्रक्चर लिखा है आज के जमाने में हम कैसे लिखते हैं हाउ ई आर रिप्रेजेंटिंग दिस स्ट्रक्चर अगर ओनर आज जिंदा होते तो बहुत ही खुश होते हैं कि उनके द्वारा जो शुरुआत हुई है वो आज कहाँ तक पहुंच गया है आज के जमाने में हम इसी कॉम्प्लेक्स को कैसे लिखते हैं आइए सीखते हैं देखो 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 इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी वी आर राइटिंग दिस स्ट्रक्चर लाइक जो सेकेंडरी वेलेंसी जैन सेकेंडरी वैलेंसी आर केप्ट स्क्वायर ब्रैकेट मेटल के साथ उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख देते हैं जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको हम कहते हैं काउंटर आयन उसको गेट के बाहर गेट आउट आउट फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन स्फीयर उसको बाहर से बैठा देते हैं आम आदमी ये बन गया तो इनका खास आदमी तो कैसे लिखते हैं सी ओ एन होल सी देखो 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 आज के जमाने में इसी कॉम्प्लेक्स को ऐसे ही लिखते हैं ओनर्स के जमाने में तो खोला मेला था खोला था ठीक है देखो बाहर में तीन क्लोराइड को बैठा दिया और इसको कैसे लिखेंगे कैसे लिखेंगे देखो सीओ सीओ एन एस थ्री होल फाइव ए की क्लोराइड को अंदर ले आए बिकॉज कोर्डिनेशन नंबर इज ऑलवेज सिक्स फाइव एक्स सिक्स बाहर में बैठा दिया दो को ठीक है जो बाहर में रहा वो आयोनाइजेबल है बाहर में वो है सो इन दिस वे स कैन बी रिटिन एच सी ओ एन एस थ्री होल फोर टू बहार में बच गया एक ये अकेला बैठा बाहर में और ये रहा सारे के सारे अंदर आ गए सी ओ एन एस थ्री होल थ्री और सी थ्री को ने सबको अंदर बुला लिया सबको अंदर कर दिया ठीक है ये रहा कहानी

क्या है पीछे नो एक्सप्लेनेशन देर इज नो इलेक्ट्रॉनिक बेसिस बेसिसन टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग जो डटेड लाइन

इसलिए उसी चक्कर में उसको न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में कभी आन के पास चला जाता है कभी इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है कभी इसके साथ बॉन्ड बना लेता है ये बॉन्ड एक लालच है दोस्तों लालच वो लालच में फंसता गया फंसता गया कभी चार लिगंड के साथ कभी छह लिगंड से शादी कर लिया कभी दो से शादी कर लिया बस फंस गया उसके बाद उसका स्वरूप बदल जाता है यही तो है वही न्यूट्रलिटी के चक्कर में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी के चक्कर में ये सब खेले उसी टाइम पे तो उनको पता ही नहीं था सो so, ये रहा तुम्हारा लिमिटेशन सपोर्न स्टेट लेकिन लेकिन लिमिटेशन के बाद भी दिस इज द मोस्ट द बेस्ट थ्योरी बेस्ट ऑन हुई थी लड्स ऑफ अ एडवांस स्टडीज एंड आज तक हम यहाँ आज पहुँचे सो Hope you must have enjoyed a lot about Werner's coordination theory, the very fundamental theory which explains the nature of bonding in complexes. Complexes may, how the complexes are formed, what type of bonds are there, very, very simple and fundamental concepts. Okay? Hope you must have enjoyed a lot. I wish you all the best, good luck, and I am sure whatever questions are likely to be asked in the examinations. You will have absolutely no problem in solving them. Okay, thank you.